हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चार मॉडल बोर्ड आज वायरिंग करना आपको सिखाएंगे, जिसमें ओनली स्विच स्विच है ओनली। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा नीचे वाला टर्मिनल जो है, देख सकते हैं अपना ये वाला नीचे टर्मिनल का, ये अपने इसमें फेस वायर आएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो बने रहिए लास्ट तक बीच दोस्तों। तो जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, हमने रेड कलर का एक वायर ले लिया, ये अपना फेस वायर है, इसको हम नीचे वाले टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसको हम देखते हैं कैसे कनेक्ट करते हैं। देख सकते हैं अपना साइज नाप कर लिए हैं, हमको इतना ही काटना है, हमको छील लेना है, तो प्लास की मदद से हम छील लेंगे दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, फिर आपको वीडियो को अच्छे से समझ में आएगा कि हम लोग खाली स्विच का कनेक्शन कैसे करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो अगर चैनल पर नए हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। देख सकते हैं अपना हम स्क्रू खोल रहे हैं, स्क्रू खोलने के बाद ये अपना फेस वायर है, चारों स्विच में कनेक्ट होगा दोस्तों। तो दोस्तों, मेरा दोस्तों टेस्टर की मदद से हमें अपने चारों स्क्रू को खोल देना है, जैसा कि हम देख सकते हैं वीडियो में, चारों स्क्रू को हमने खोल कर अपना ये वायर सेट करेंगे दोस्तों। तो देख सकते हैं अपना हम नीचे टर्मिनल में कनेक्ट कर दे रहे हैं दोस्तों, ये पहला स्विच, ये दूसरा स्विच, ऐसे तीसरे स्विच में ऐसे ले जाके अपने दोस्तों चारों स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में दोस्तों अपना कनेक्ट कर देंगे अपना फेज वायर दोस्तों। ये अपना मेन वायर जिधर से निकला है उधर का मेन वायर से हम लोग फेज वायर लेके आए हैं दोस्तों। इसके बाद एक न्यूट्रल वायर आएगा, वो दोस्तों आपको हम बताएंगे वीडियो के लास्ट में कि न्यूट्रल वायर को कहाँ कनेक्ट होगा, कहाँ पर लगेगा दोस्तों, क्योंकि बोर्ड में तो ऑप्शन है ही नहीं न्यूट्रल वायर कनेक्ट करने का, उसमें फेज वायर आएगा, बाकी पॉइंट का वायर आएगा। तो इसको देख सकते हैं हम लोग, इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे दोस्तों। टाइट करने के बाद फिर आपको आगे बताते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो बने रहिए चैनल पर। जैसा कि देख सकते हैं अपना फेज वायर कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, ये हमने अपना कनेक्शन करके रेडी कर दिया दोस्तों। अब इसके बाद अपना पॉइंट लेते हैं, जैसे हमारा पंखे का बल्ब का अदर जैसे अपना पॉइंट होगा, तो एक टुकड़ा वायर ले लेंगे दोस्तों, ये अपना इधर नीचे ऊपर वाले टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने एक टुकड़ा वायर लिया है, आपको अच्छे से डिटेल में नहीं बताया कि मतलब कहाँ से आया, कि अपना जिधर आपका बल्ब जाएगा उतना लंबा वायर लगेगा, और उसके इसी का साथ एक न्यूट्रल वायर आएगा बल्ब में जो कनेक्ट होता है, वो न्यूट्रल वायर का भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले अपना इस स्विच में अपना एक पॉइंट कनेक्ट कर लेते हैं, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि स्विच कनेक्शन कैसे होता है, दो टर्मिनल में अपना क्या क्या रहता है। देख सकते हैं नीचे वाले में फेज रहता है, बाकी ऊपर वाले में पॉइंट अपना डाल सकते हैं। तो ऐसे ऐसे हम दोस्तों अपना चारों सॉकेट में कर दिए हैं, देख सकते हैं वीडियो को लॉन्ग ना करते हुए हम लोग वीडियो की स्किप कर दिए थे। तो देख सकते हैं अपना लास्ट वाला भी ऐसे कनेक्टर हम लोग कर चुके हैं दोस्तों, ये अपना कनेक्शन हो चुका है चारों पॉइंट का, चारों स्विच का। तो चलिए दोस्तों, अब आपको आगे बताते हैं कि इसका कनेक्शन कैसे होता है, ये वर्क कैसे करता है। अभी तो आपको बचा, अभी तो लास्ट तक देखेंगे फिर ही समझ में आएगा। ये अपना देख सकते हैं ब्लू कलर वायर है, ये अपना न्यूट्रल वायर है। तो ये दोस्तों अपना मेन वायर है, जिधर से अपना फेज वायर आएगा न्यूट्रल का, दोनों लेके अपना लेके आएंगे बोर्ड में। ये अपना न्यूट्रल वायर ब्लू कलर का है दोस्तों, तो ये दोनों दोस्तों अपना ये ले जाके अपना ये देखो एक साथ कर दिए हम, ये ले जाके दोनों ये लाइट में कनेक्ट कर देंगे अपना, ये लाइट इसमें आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा। बाकी अपना जो तीन पॉइंट है वो आपने अपनी तरह से कर सकते हैं, जैसे अपना बल्ब हो गया, फैन हो गया, आप जिसमें लगाना चाहे उतना, मैं तो ऐसे प्रैक्टिकली करके बता दे रहा हूँ आपको। जैसे कि देख सकते हैं लाइट का अपने दो वायर लिए हैं, एक वायर को अपने पीला वाला इसमें स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में वायर में कनेक्ट कर देंगे दोस्तों, और जो लाइट के ब्लू वायर में कनेक्ट होगा दोस्तों। जो लाइट का एक वायर बचा है ये ब्लू कलर का, ये दोनों अपना कनेक्ट हो जाएगा, ये अपना दोस्तों एक पॉइंट कनेक्शन रेडी हो जाएगा दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं ये दोनों को जोड़ देंगे और एक स्विच से ले लेंगे एक वायर, तो अपना दोनों वायर को हम लोग कनेक्शन करके टेपिंग कर लेंगे अच्छे से। इसके बाद हो गया दोस्तों, ये अपना एक पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों ऐसे ही अपना सेम दूसरा वायर, दूसरा पॉइंट लेंगे स्विच का, तो जो न्यूट्रल वायर है इधर से लूप कर देंगे दोस्तों। अपना मालूम है कि न्यूट्रल वायर कॉमन रहता है, इसको लूपिंग करते हैं दोस्तों, ऐसे एक लूप कर देंगे, इसको कट करके इसमें एक बल्ब लगा देंगे दोस्तों। फिर ऐसे अपना तीसरा भी ले लेंगे, ये दोनों से ज्वाइंट करके दोस्तों इतना लाल और नीला कनेक्ट करके इसमें लगा देंगे। फिर ऐसे चौथा भी ले लेंगे दोस्तों, ऐसे हमारा चारों स्विच का कनेक्शन हो जाएगा दोस्तों। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप बल्ब लगाते हैं वो अदर वगैरह कुछ भी लगाते हैं, बस ऐसे ही ओनली चार स्विच का कनेक्शन दोस्तों होता है। जैसे देख सकते हैं हमने लूपिंग करके दिखाया है आपको ऐसे चारों स्विच का, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा जो आपको लगाना होगा। तो देख सकते हैं हमारा दोस्तों ये वीडियो बनके कंप्लीट हो चुका है दोस्तों चार स्विच का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, हमारा वीडियो कंप्लीट हो चुका है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों।